क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट हिस्ट्री पार्ट वन चैप्टर टू किंग फार्मर्स एंड टाउन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर 2.2 फर्स्ट अमंग्स द 16 मगध. ओके फर्स्ट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मगध. सी मगध वॉज एन एंशियंट इंडियन किंगडम इन सदर्न बिहार एंड वॉज काउंटेड एज वन ऑफ द 16 महाजनपद्स. ओके Great countries of ancient India. Magad played an important role in the development of Jainism and Buddhism. Magad played an important role in the development of Jainism and Buddhism and two of India's greatest empires, the Maurya Empire and Gupta Empire, originated in Magad. Now, let's start from here. Between the 6th and the 4th centuries BCE, Magad in present-day Bihar became the most powerful Mahajanpad. Okay, first of all, let's have a look on the time, the timing, 6th and 4th century BCE. Here we are talking about the time between the 6th and 4th centuries BCE, Magad was the most powerful Mahajanpad. Modern historians explain this development इन अ वेराइटी ऑफ वेज. जो आपके मॉडर्न हिस्टोरियंस थे उन्होंने बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से इन्होंने इस डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया है. मगध वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव. मगध वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज एक्चुअली वेरी गुड, वेरी फाइन, वेरी प्रोडक्टिव. बहुत अच्छा था उस वक्त एग्रीकल्चर. बिसाइड्स आयरन माइंस इन प्रेजेंट डे झारखंड वर असेसेबल एंड provided resources for tools and weapons. जो आपके iron mines हुआ करते थे, यानी कि you can call it लोहे की खदान in हिंदी, तो उसके वजह से क्या था, उनके मिलने के वजह से आपके tools और weapons जो हैं वो बहुत आसानी से पाए जाते थे. बहुत आसानी से उनको हम बना सकते थे, बनाना बहुत easy होता था. okay because of iron mines it is easily possible for us to provide resources for tools and weapons. Elephants, an important component of the army, were found in forest in the region. Region mein elephant, which was the important component of the army, were found in forest. Forest mein elephant paya jata tha. Also, the Ganga and its tributaries provided a means of cheap and convenient communication. See, the Ganga and the and its tributaries means जो आपकी river Ganga थी और जो भी other rivers थी वो क्या provide करती थी, a means of cheap and convenient communication. बहुत ही सस्ता और convenient communication. However, early Buddhist and Jain writers who wrote about Magadh attributed its power to the policies of individual. See here, we found Buddhist and Jain writers. They wrote about Magad and they said इन्होंने मगध के बारे में लिखा और इन्होंने मगध के जो जो भी पावर्स था, जो भी इम्पोर्टेंस था, जो भी चीज़ें थी, उनका क्रेडिट इन्होंने किसको दिया, टू द पॉलिसीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की पॉलिसी को. रेडलेसली एम्बिशियस किंग्स ऑफ वूम बिम्बिसार अजात शत्रु एंड महापद्मनंदा आर द बेस्ट नोन एंड द मिनिस्टर्स हु हेल्प इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज. अब इन ये जो हमारे राइटर्स थे बुद्धिस्ट एंड जान, अकॉर्डिंग टू देम बिम्बिसार अजात शत्रु एंड महापद्मनंद वर द वेरी फेमस किंग्स. बहुत ही ये फेमस, बहुत अच्छे, वेल नोन, बेस्ट किंग्स थे. एंड देयर मिनिस्टर्स, और उनके मिनिस्टर्स क्या करते थे, हेल्प इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज, उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते थे. देयर मिनिस्टर्स हेल्प देम टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज. ओके सो मगध वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस, वेरी वेल नोन महाजनपद. नाउ नेक्स्ट अप वी हैव इज एन अर्ली एम्पायर. ओके द ग्रोथ ऑफ मगध culminated in the emergence of the Mauryan Empire. See, here we are talking about the after the growth of Magad, which means
after the development of Magad. What we found? We found the Maurya Empire. Okay? Chandragupta Maurya, who founded the empire? Who was Chandragupta Maurya? He was the empire of Maurya Samrajya. See, 321 BCE. The timing was 321 BCE. Extend control as far northwest as Afghanistan and Balochistan. Chandragupta Maurya, empire of Maurya Samraj. Okay, ये कौन थे? मौर्य साम्राज्य के अंपायर थे. इनका जो कंट्रोल था वो कहाँ से कहाँ तक था? अफगानिस्तान टू बलूचिस्तान. एंड हिज ग्रैंडसन अशोक, वाज अशोक हिज ग्रैंडसन, आर्ग्यूएबली द मोस्ट फेमस रूलर. ही वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया. अशोक वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया. कंक्लूड कलिंग मीन्स इन्होंने कहाँ क्या किया था? कलिंग पर विक्ट्री पाई थी. प्रेजेंट डे कोस्टल ओडिशा. ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एन अर्ली एम्पायर वेयर वी फाउंड मौर्य एम्पायर, वेयर वी फाउंड चंद्रगुप्त मौर्य हु वॉज द एम्पायर ऑफ मौर्य साम्राज्य. हियर वी फाउंड द अनदर नेम विच वॉज अशोक. ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हु वॉज द फेमस रूलर. So that's all for today. I hope you can understand all this easily. Thank you so much.